ये वीडियो पूरा सुन लेने के बाद डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में एक लिंक मिलेगी, जाकर उस भजन को सुनना ध्यान से। लेकिन ये वीडियो पूरा सुन लेने के बाद मन का बोझ उतार कर जाना। सबसे पहले तो ये बातें सबके लिए नहीं हैं, क्योंकि ऐसी बातों का उलाहना दे करके, इन बातों के पीछे हम वो सब भी करना बंद कर देते हैं जिसको करने की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले तो वे लोग जो बिल्कुल आलसी हैं, जो किसी तरह के चमत्कार की आशा करते हैं या मेहनत बिल्कुल नहीं करना चाहते, उनके लिए ये बिल्कुल नहीं है। क्योंकि जो बात हम करने जा रहे हैं उसका उद्देश्य आपको निठल्ला बना देना नहीं है। अगर नहीं समझोगे तो आपका अहंकार आपको निठल्ला बनाने की ओर ही प्रेरित कर देगा। और ऐसे लोग जो बिल्कुल एकदम नए हैं, वो इसे सुनने से पहले थोड़ा अध्यात्म के बारे में, अहंकार के बारे में, मन के बारे में जानें, समझें अथवा इसे बड़ी सावधानी से सुने। प्रश्न क्या है? प्रश्न है, क्या ईश्वर को जाना जा सकता है? क्या ईश्वर को जाना जा सकता है? जब मैं ये प्रश्न कह रहा हूं क्या ईश्वर को जाना जा सकता है, तब ये मानकर मैं चल रहा हूं कि आप ये समझते हैं कि ईश्वर से यहां पर क्या तात्पर्य है। अब उसको समझाने के लिए उधर विस्तार में अभी मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि इस पर हम पहले ही बात कर चुके हैं। तो आपको इस बात की समझ होनी चाहिए पहले, आगे बढ़ने से पहले, कि ईश्वर यानी क्या। और दूसरी बात, हम यहां यह नहीं कह रहे हैं कि ईश्वर को कैसे जाने, क्योंकि जब हम कहते हैं कैसे जाने, तब ये दोनों मान्यताएं उसके अंदर समझ आती है कि हम जानते हैं ईश्वर यानी क्या, और हम यह भी जानते हैं कि ईश्वर को जाना जा सकता है, बस हम क्या पूछ रहे हैं, कैसे जाने। तो हम कैसे की भी बात नहीं कर रहे हैं, हम किस सवाल की बात कर रहे हैं, क्या ईश्वर को जाना जा सकता है? यह कौन है जो कह रहा है, जो पूछ रहा है, जो ईश्वर को जानना चाहता है? कौन है जो कह रहा है क्या ईश्वर को जाना जा सकता है? यह है आप। आप यानी आपका मन, या इसे आप अहम भी कह सकते हैं। अभी हम इसको मन कहकर संबोधित करेंगे। यह मन है जो कह रहा है क्या कि क्या ईश्वर को जाना जा सकता है? मन क्या है? मन ज्ञात है। मन ज्ञात है यानी ज्ञात का ही परिणाम है। ज्ञात मानी वह सब जिसका अनुभव हम कर चुके हैं, वह सब जो हम जानते हैं, वह सब जो हम सीख चुके हैं। माइंड इज द रिजल्ट्स, माइंड इज द रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंसेस, मेमोरीज, थॉट्स एक्सेट्रा। ये मन हमारे आज तक के अनुभवों, हमारे विचारों, हमारी स्मृतियों, हमारी मान्यताओं, शिक्षा, संस्कारों, कंडीशनिंग, इन सब का परिणाम है। यानी मन ज्ञात है, ज्ञात का परिणाम है। तो मन ज्ञात है, नॉन, और इसी ज्ञात के आधार पर हम उसे जानने का प्रयास करते हैं जो अज्ञात है, जो अननोन है।
अननोन कहने से भी ज्यादा सही होगा, अननोनेबल है, जो अज्ञेय है, जिसे जाना ही नहीं जा सकता। हम उसे उस मन के द्वारा जानने का प्रयास करते हैं जो कि बस हमारे सीमित अनुभवों का, संस्कारों का, शिक्षा का परिणाम है। किंतु ये बात आपको स्पष्ट हो जानी चाहिए कि ज्ञात नॉन कभी भी अज्ञात को नहीं जान सकता, यानी मन उसे कभी नहीं जान सकता जो अज्ञात है, अज्ञेय है, यानी मन उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता जो मन का अनुभव नहीं है, मन उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता जो मन के अंदर अभी पहले से मौजूद नहीं है, क्योंकि मन उसी सब का परिणाम है जो पहले से मन के अंदर स्मृति के रूप में संचित है। यानी मन क्या है? ज्ञात। इसलिए मन उसे नहीं जान सकता जो अज्ञात है। ये बात आपको, यानी इस मन को क्या स्पष्ट हो रही है? क्या आप ये समझ पा रहे हैं? यानी मन क्या इस बात को समझ पा रहा है कि वो उसे नहीं जान सकता जो उसके क्षेत्र से बाहर है? यह मन केवल उसी को जान सकता है जिसका अनुभव आज तक इसने किया है, जो इसने सीखा है, जो इसने जाना है, जो इसने संचित किया है। ऐसा ही है ना? क्या, अभी एक छोटा सा अपने ही साथ प्रयोग करिए, क्या आप उस मेहमान की कल्पना कर सकते हैं जो कभी आपके घर नहीं आया? और अगर आप उसकी कल्पना कर रहे हैं तो फिर वो मेहमान है ही नहीं। क्यों? क्योंकि आप उसे पहले से जानते हैं। मेहमान वो नहीं होता कि कोई रिश्तेदार घर आ गए, हमने झूठी परिभाषाएं बना रखी हर चीज की, कोई रिश्तेदार घर आ गया उसको मेहमान नहीं कहते हैं। मेहमान माने वो जिसे हम जानते ही नहीं, बिल्कुल पूरी तरह अनजान है, कभी उससे आज तक मुलाकात ही ना हुई, अचानक असमय वो आ गया, उसे मेहमान कहते हैं। तो जिससे कभी मुलाकात हुई ही ना हो, आप उस मेहमान की भी कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि मन में ना तो उसकी कोई छवि है, ना उसका कोई नाम है, ना कोई पहचान है। तो क्या अभी इसी क्षण आपका मन इस सत्य को देख पा रहा है? किस सत्य को? कि मन उसे नहीं जान सकता जो अज्ञात है। क्या अभी आप ये देख पा रहे हैं? क्योंकि यही है जो आपको अंतिम रूप से समझना है। अगर मैं स्पष्ट रूप से ये देख लूं, ये समझ लूं, ये जान लूं कि मेरा मन अज्ञात को नहीं जान सकता, अगर सचमुच ये जान लूं कि मन उस अज्ञात को नहीं जान सकता, तो क्या होगा? तो भीतर पूर्णतः मौन हो जाता है, मौन होता है। क्यों? क्योंकि मन जानता है कि वह उसे नहीं जान सकता जो अज्ञात है, तो उसे जानने के लिए, उसे जानने के लिए जो अज्ञात है, उसे जानने के लिए वो अपने सारे प्रयास करना छोड़ देता है, छूट जाते हैं, सारा संघर्ष खत्म हो जाता है। अगर सचमुच मन ये जान रहा है, और अभी हम ये जो बात कर रहे हैं इसमें आपने ये समझा होगा कि किस तरह मन असमर्थ है, किस तरह वो अपाहिज है उसको जानने के लिए जो अज्ञात है, क्योंकि मन खुद समय का, अतीत का परिणाम है, जो खुद अतीत का परिणाम है, समय का परिणाम है, वह उसे कैसे जान लेगा जो बिल्कुल एकदम नया, एकदम नूतन है, जो बिल्कुल सजीव है, जो समय से परे है, कैसे उसकी कल्पना कर लेगा? तो अगर
आप यानी मन स्पष्ट रूप से ये देख पाए कि वह उसे नहीं जान सकता जो अज्ञात है, जिसे हम ईश्वर कह रहे हैं। यहाँ अज्ञात अज्ञात जब भी कहा, वहाँ उसी ईश्वर की बात हो रही है जिसको जानने का प्रयास हर कोई कर रहा है। अगर मन जान ले कि वो उसे नहीं जान सकता तो वह मौन हो जाता है। मौन करते नहीं हो, मौन हो जाता है, ये जानने के परिणाम स्वरूप। देखो, क्योंकि ऐसा है कि यदि मुझे ऐसा लगता है कि मैं ज्ञात की क्षमताओं के आधार पर, ज्ञात की क्षमता के आधार पर, माने इस मन के माध्यम से उस अज्ञात पर पकड़ बना सकता हूँ, उसे जान सकता हूँ, तो मैं बहुत शोर मचाऊंगा, बहुत बातें करूँगा, उसको जानने का प्रयास करूँगा, इस तक पहुँचने का कोई ना कोई तरीका, कोई मार्ग खोजने का प्रयास करूँगा। क्यों? क्योंकि ये देखिए, ध्यान से समझिए, हम उसी के लिए प्रयास करते हैं जहां जिसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं उसे हासिल कर लेने की कोई ना कोई संभावना हो। यदि हमें साफ साफ ये दिख ही जाए कि हम किसी चीज को हासिल कर ही नहीं सकते, तो क्या हम उसके लिए प्रयास भी करते हैं? नहीं करते ना। तो वो जो सारा प्रयास, संघर्ष, भाग दौड़ होती है, वो फिर होती ही नहीं है, वो शांत हो जाती है। शेर ने किसी जानवर को पकड़ लिया, दबोच लिया, वो जानवर कब तक बचने का प्रयास करेगा? जब तक उसको लगता है कि वो सफल हो सकता है। जब उसे समझ आ गया कि अब उसके किसी भी प्रयास का कोई अर्थ नहीं, वह छोड़ देता अपने आप को। फिर शेर के हवाले, दैनिक जीवन में देखो, कौन सी नौकरी या कौन से प्रोफेशन के लिए आप प्रयास करते हैं? उसी के लिए करते हैं ना, जिसको पा लेने की, जिसमें सफल हो जाने की आपको संभावना दिखाई देती है। बल्कि आप तो उन प्रोफेशन में भी नहीं घुसते हैं जिनको इंसान ही कर रहा है, जिनमें इंसान ने ही सफलताएं पाई हैं। आप भी इंसान हैं, वो भी इंसान है, पर आप कहते हो नहीं, बहुत ऊंची है, बहुत बड़ी है। अरे कैसे बनेंगे हम एक्टर, कैसे बनेंगे हम राजनेता, कैसे हम कोई फिलोसोफर बन जाएंगे, कैसे हम बड़ा क्रिकेटर बन जाएंगे? आप तो उसकी भी नहीं सोचते अधिकांश लोग। जो हुआ जा सकता है आप उसके होने की भी कोशिश नहीं करते हैं। फिर बताओ, जिसे जाना ही नहीं जा सकता उसे जानने का प्रयास ये मन क्यों करेगा, अगर इसको समझ आ जाए तो, कि यह उसे जान ही नहीं सकता। अपने घरों में, आसपास में, जीवन में देख लो, किसी भी तरह की सहायता आपको जब चाहिए होती है तो आप किससे मांगते हो? उसी से ना, जिससे मिलने की संभावना होती है। वही बात यहां कही जा रही है कि यदि मुझे, माने इस मन को लगता है कि ये मन किसी तरह सोच करके, विचार करके, जुगाड़ करके उसे जान सकता है जो अज्ञात है, यानी जिसे हम ईश्वर कहते हैं, तो ये प्रयास करता है, भाग दौड़ करता है, खुराफात करता है, संघर्ष करता है। उसी संघर्ष का परिणाम होती है मन की अशांति, मन की बेचैनी, मन का तनाव। परंतु यदि मन को अपनी इस अक्षमता का एहसास हो जाए कि वह अज्ञात को नहीं जान सकता, माने ईश्वर, हम उस ईश्वर की बात नहीं कर रहे हैं जो समाज में प्रचलित है, हम उसकी बात कर रहे हैं जिसकी हमने पहले बात की हुई है। अगर मन को यह एहसास हो जाए कि वह उस ईश्वर को, उस अज्ञात को नहीं जान सकता, यदि इसे इस बात का बोध हो जाए कि यह अज्ञात की ओर एक कदम भी नहीं बढ़ा सकता अपनी तरफ से, तब क्या होता है? तब यह मन चुप हो जाता है, मौन हो जाता है, शांत हो जाता है। हताश नहीं, यह मत समझना कि हताश होकर के कि चलो अब नहीं हो रहा है तो रुक गए, नहीं नहीं, उसने जाना कि भैया यहां मैं कुछ कर सकता ही नहीं, वो मेरी क्षमता से परे का है, तो यहां हताशा नहीं है। अरे मैं सूरज को पकड़ ही नहीं सकता, तो इसमें हताश होने की क्या बात है?
हम सूरज को पकड़ने का इसलिए प्रयास भी नहीं करते कभी, क्योंकि हम जानते हैं कि हम हाथों से उसे नहीं पकड़ सकते, इन हाथों से नहीं पकड़ सकते, तो हम नहीं करते ना प्रयास। इसी तरह मन को ये बात समझ आनी चाहिए साफ साफ कि जो अज्ञात है, जो ईश्वर है, जो सत्य है, जिसे प्रेम भी कहा जाता है, जिसे बोध, जिसे अंडरस्टैंडिंग, समझ भी कहा जाता है, जिसे ध्यान कहा जाता है, जिसे आनंद कहा जाता है, उसकी यह मन कल्पना भी नहीं कर सकता। अगर मन को यह समझ आ जाए तो वह चुप हो जाता है, उसकी उसके लिए प्रयास फिर नहीं करता, संघर्ष नहीं करता। अब यह उसे नहीं खोजता, क्योंकि यह जान गया है कि खोज की सारी गतिविधि ज्ञात से शुरू होती है और ज्ञात में ही खत्म हो जाती है, अज्ञात में पहुंचती ही नहीं। मन बस इतना ही कर सकता है अपने लिए कि ये जान ले कि ये उसे नहीं जान सकता जिसे जानने का ये प्रयास कर रहा है ईश्वर के नाम पर। ये बात है, यही है जो आपको महसूस करनी है, इसी का प्रत्यक्ष बोध आपको करना है, और हम ये जो चर्चा कर रहे हैं इसी के माध्यम से आप उसे देख सकते हैं, मन की इस अक्षमता को। ऐसी स्थिति में बिना किसी उद्देश्य के, बिना किसी प्रयोजन के मन मौन हो जाता है, और जहां हमें समझ आ जाता है कि किसी भी तरह का प्रयास व्यर्थ है, व्यर्थ ही जाना है, हम असमर्थ हैं, तब मन चुप हो जाता है। अब वह कुछ नहीं खोजता है, अब वह विश्राम करता है। कबीर साहब कहते हैं ना, माला जपू न कर जपू और मुख से कहूं न राम, राम हमारो हमें जपे कबीरा हम पायो विश्राम। अब माला नहीं जपते, मुख से नहीं रटते, हम तो विश्राम में हैं। हमारी सारी दौड़, हमारी सारी गति ज्ञात के अंदर ही होती है, हमारी यानी मन की। हम ये बाहरी गति की बात नहीं कर रहे हैं, हम मन की बात कर रहे हैं। मन की सारी दौड़, किसी भी चीज को वो जानना चाहता हो, किसी भी चीज की वो कल्पना करता हो, वह सब ज्ञात से शुरू होती है और ज्ञात में ही खत्म हो जाती है, समय में ही होती है, क्योंकि मन स्वयं समय का ही परिणाम है। मन के द्वारा जो भी खोजा जाता है वह ज्ञात के ही क्षेत्र का होता है, और इसको ऐसा ना कहो तो ऐसा कह दो कि मन ने जो भी खोजा उसके खोज लेने के कारण ही अब वो ज्ञात के क्षेत्र का हो गया, अब वो मन की सीमा के अंदर का हो गया, अब वो समय में आ गया। जिसको मन ने जान लिया वो जानने ज्ञात के क्षेत्र का, जानने के क्षेत्र का, नॉन के क्षेत्र का हो गया। यही बात है जो अंतिम रूप से साधक को जाननी होती है, समझनी होती है। यह मन जो कि ज्ञात का ही परिणाम है, यह उस अज्ञे को, कृष्णमूर्ति उसे अज्ञात कहते हैं, अज्ञात से ज्यादा बेहतर होगा हम उसे अज्ञे कहें, कि उस अज्ञे को कभी नहीं जान सकता, क्योंकि अज्ञे का अर्थ ही होता है वह जिसे जाना ही नहीं जा सकता। किसके द्वारा? मन के द्वारा। और कृष्णमूर्ति कहते हैं कि ज्ञात के द्वारा अज्ञात को जाना ही नहीं जा सकता। इसके लिए मैं थोड़ा सा अलग कहूंगा, अज्ञात की जगह अज्ञे कहूंगा, कि उसे नहीं जाना जा सकता जिसे जाना ही नहीं जा सकता। अज्ञे माने वो जो जाना ही नहीं जा सकता, और जाना ही नहीं जा सकता ऐसा कहने के स्थान पर कहूंगा कि ये जो जानने की बोल रहा ना, जिसकी हमने शुरुआत में बात की थी कि क्या ईश्वर को जाना जा सकता है, कौन है ये मन अहम, तो इसको आप ऐसे कह सकते हैं कि ये जो जानने की बात कर रहा है ना, ये जो जानने निकलता है, ये जब उसे जानने निकलता है जो अज्ञे है, तो उसे जानने की इस पूरी प्रक्रिया में ही ये मिट जाता है, अगर इसकी खोज सच्ची है। क्योंकि ये उसे नहीं जानता, ये स्वयं को जानने से ही शुरुआत करता है। यानी मैं, अगर हम मन कह रहे हैं उसको,
इस चर्चा में, तो मन स्वयं को जानता है। अगर अहम कह रहे हैं तो अहम स्वयं को जानता है, और जैसे जैसे स्वयं को जानता है ये मन, जैसे जैसे स्वयं को जानता है ये अहम, जो भी नाम कहो उसके लिए, ये ही मिटता जाता है। और ये जब मिट जाता है तब ये बचता ही नहीं, पूछने वाला ही नहीं बचता। तो अज्ञेय को जाना नहीं जा सकता, क्योंकि जो उसे जानने निकलता है उस जानने की प्रक्रिया में वह स्वयं ही मिट जाता है, फिर ये सवाल ही नहीं बचता। जैसे उदाहरण के लिए नमक की घड़ी हो या बर्फ की घड़ी हो, और वो कहे मैं जानना चाहता हूँ मैं कहाँ से आया, और वो स्वयं को जानने जाता है और छलांग लगा देता है समुद्र में, क्या वो लौटेगा? वो मिट गया, वो उसी में विलीन हो गया, उसका अब अस्तित्व ही नहीं बचा। जानते जानते वो ही घुलता गया, उसकी ही नेति नेति हो गई, उसका ही नकार हो गया। तो मन या अहम जब स्वयं को जानता है तो वो मिटता जाता है। इसी कारण मौन शेष रह जाता है, जहां कुछ शेष नहीं है वहां आप कह सकते हैं वहां मौन आ गया, चुप्पी आ गई, वह शांत हो गया। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि उसे जाना ही नहीं जा सकता। कबीर साहब के शब्दों में कहोगे तो क्या कहेंगे, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाहीं। जब तक मैं था, मन था, अहंकार था, तब तक हरि नहीं था, ईश्वर नहीं था, परमात्मा नहीं था। अब हरि है, अब ईश्वर मात्र है, मैं हुई नहीं। तो ये जो ज्ञात है ना मन, ये बचता ही नहीं है, पूर्ण रिक्तता मौन मात्र रहता है, उसी में उसका आविर्भाव होता है जिसे ईश्वर, प्रेम, शांति, सत्य, अज्ञेय और इसी तरह अनेक नामों से संबोधित किया जाता है। और ध्यान रखना, अगर कबीर साहब क्या कह रहे हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाहीं। अगर कहने वाला बचा है कि मैंने ईश्वर को जान लिया, तो वह अभी भ्रम में है, कल्पनाओं में जी रहा है, या तो अहम या आत्मा, या तो अहम या सत्य, दो नहीं हो सकते। कबीर साहब कहते हैं ना, प्रेम गली अति सांकरी ता में दो ना समाए, बहुत सांकरी है प्रेम की गली, इसमें दो नहीं हो सकते, मन भी हो और ईश्वर भी, ऐसा नहीं हो सकता। तो आप केवल उसे जान सकते हैं, मन केवल उसे जान सकता है जो ज्ञात के क्षेत्र में है, उसे जान सकता है, उसे समझ सकता है। मन खुद को जान सकता है, खुद को समझ सकता है, और इसे जानते जानते ही वह मिटता जाता है, और इस मिटने में ही मन पूर्णतः मौन हो जाता है, तब वही रहता है, मात्र वही, जिसे हम ईश्वर कह रहे हैं।